सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों को देखा जाता है जो अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला नहीं पाते हैं। बार बार रह रह के उन्हीं यादों में मन चला जाता है। जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा पुरानी बातें याद आती हैं। कई लोग पूछते हैं कि कैसे भुलाएं उन यादों को। उन यादों के कारण आज भी ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दो तरह के लोगों को मन बार बार याद करता है। एक तो वो जिनसे आपके मन का बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, और दूसरे वो जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो। जब किसी इंसान से हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं हमारी जिंदगी में उन सब का मोल उसके आगे कम हो जाता है, तो ऐसा रिश्ता निश्चित ही दुख का कारण बनता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। हद या लिमिट जिंदगी में एक स्पीड की तरह होती है। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे ही यदि जिंदगी में किसी से बहुत ज्यादा मन का जुड़ाव हो जाता है तो वो निश्चित ही दुख का कारण भी बनता है। कितनी भी अच्छी चीज खाने की क्यों ना हो, कितनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्यों ना हो, पर यदि उसे एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो फायदा करने वाली चीज भी नुकसान कर जाएगी। प्रेम में भी हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अति कर जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भी अधिकतर तनाव और झगड़ों का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। जब आप सारे रिश्ते नाते माँ बाप को भी भुलाकर बस एक ही रिश्ते के पीछे पागल हो जाते हैं, एक ही इंसान को अपने हर सुख दुख की वजह बना लेते हैं, जब आप किसी एक व्यक्ति पे खुद को निर्भर कर देते हैं तो आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसी इंसान से नफरत हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि मुझे धोखा मिला, मैंने सच्चाई से रिश्ता निभाया पर सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। आप यदि निभाते हैं तो ये आप सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो भी आपसे निभाएगा। किसी और के दिल को, किसी और के माइंड को, किसी और की लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ क्या करे क्या नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी लाइफ पे, हमारे माइंड पे। आप सोच के देखें, जब आपका खुद का मन, जब आपका खुद का दिल ही आपका कहना नहीं मानता तो किसी और का मन आपका कहना क्यों मानेगा। आप खुद ही अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बातों को नहीं भुला पाते तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मन आप में लगा रहे, उसका दिल आपसे जुड़ा रहे। ऐसी व्यर्थ की उम्मीदों के वजह से ही आज आपके रिश्तों में दर्द है, तनाव है, परेशानियां है। हद से ज्यादा प्यार करोगे तो हद से ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और जब वो उम्मीदें टूटेंगी, और वो निश्चित टूटेंगी, तो आप कहोगे हमें धोखा मिला, हमें धोखा हमारी उम्मीदों के वजह से मिलता है। फिर ऐसे रिश्ते आखिर एक दिन टूट ही जाते हैं। पर लोग ऐसे रिश्तों से अलग होने के बाद भी पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं। एक बात बताओ, आपकी कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या आप इतने फालतू हो जो धोखा खा के भी उसी इंसान के पीछे मरे जा रहे हो? कुछ और बचा नहीं है क्या जिंदगी में करने को? जिस इंसान को आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ऐसे इंसान की यादों में डूबे रहते हो, आप भी कितने अजीब हो। क्या आप इतने फालतू के इंसान हो जो आपकी जिंदगी में और कुछ खास करने को बचा ही नहीं है? ये तीखे शब्द हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप होश में आए और आगे बढ़े जिंदगी में। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। क्या आपको अपने माता पिता नहीं दिखते? क्या आपको आपके भविष्य के लिए, आपके अपनों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया में आप इतने खाली कैसे रह सकते हो? क्या आप कोई सपना नहीं देखते? आपको कुछ कर दिखाने का जुनून क्यों नहीं है? यदि आपके पास इतना ही टाइम है पुरानी बातों को याद करने का, तो वो टाइम आप अपनी जिंदगी को बनाने में क्यों नहीं लगाते? अपने भविष्य को बेहतर बनाने में क्यों नहीं लगाते?
वो टाइम आप अपने सपनों को सच करने में क्यों नहीं लगाते? क्यों आप में इतनी खुददारी नहीं है? अपनी हस्ती को आप दुनिया के सामने साबित करके क्यों नहीं दिखाते? खुद पे जरा भी गुस्सा नहीं आता क्या कि क्या पागलपन कर रहे हो? कई बार लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण ये इंसान है, हमारे दुख का कारण वो इंसान है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए मैं दुखी हूं। यदि आपको किसी ने भला बुरा कहा, उसने तो एक ही बार कहा, पर उसकी बातें याद करके आप खुद को 100 बार भला बुरा कहते हो, तो ज्यादा गलती किसकी हुई, जिसने एक बार बोला उसकी या जिसने 100 बार बोला उसकी? एक ऑफिस के कर्मचारियों को यह लगता था कि इस इंसान की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हर कोई किसी न किसी को अपने जिंदगी की परेशानियों का कारण मानता था, इसलिए वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उनके वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे थे। उस ऑफिस के मैनेजर ने एक दिन ऑफिस में आके कहा, आज शाम को इस ऑफिस में वो इंसान आपके सामने खड़ा रहेगा जो आपके परेशानियों की वजह है, और आज आपको छूट है, उसके साथ आप जो करना चाहो करना। हर इंसान खुश हो गया कि आज तो मैं उस इंसान से बदला लेके रहूंगा जिसने मुझे इतना दुख दिया है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। शाम होने पर वो ऑफिस का मैनेजर उन सबको एक हॉल में लेके गया और मैनेजर ने कहा कि यही वो इंसान है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब सब लोगों ने सामने देखा तो उनके सामने आईना था और उसमें वो खुद को देख रहे थे। हम ही वो इंसान हैं जो खुद को दुखी करते रहते हैं अपने ही विचारों से, अपनी ही भावनाओं से, और हम ही वो इंसान हैं जो अपने विचारों से, इन भावनाओं से, इन दुखों से आगे निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। याद रखना एक बात, जब तक आपने बड़ा सोचना नहीं सीखा तब तक आप बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तभी जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उन पुरानी भावनाओं से बाहर निकल पाएं, पुरानी यादों से बाहर निकल पाएं, तो ये 5 काम आप जरूर करना। 1, खुद की कदर करना सीखें, खुद की वैल्यू करें कि मैं उन भावनाओं के पीछे, उन व्यक्तियों के पीछे नहीं जाऊंगा जो मेरी जिंदगी में दुख का कारण बनते हैं। चाहे मेरे मन का उनसे कितना भी प्रेम रहा हो, पर अब मुझे अपने लिए जीना है, आगे बढ़ना है। 2, अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए आप मेहनत करें। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, बैठने का नाम नहीं है, जीवन तो चलने का नाम है। जब चलोगे ही नहीं तो यात्रा कैसे पूरी होगी? जब चलोगे, यात्रा करोगे, मंजिल भी तभी मिलेगी। 3, आप खाली बैठना छोड़ दें, खुद को अच्छे कामों में बिजी रखें, अपने समय को अपने बेहतर भविष्य में लगाएं। 4, माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, चाहे प्रेम से चाहे नफरत से, आपका संबंध उनसे जुड़ा ही रहेगा। भूल जाइए अब उन्हें। माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप उनसे फिर रिश्ता रखें, माफ करने का बस इतना अर्थ है हमारा अब उससे कोई संबंध नहीं। तब तक वही बातें आप याद करते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने मेरे साथ गलत किया। कब तक यही बातें सोच सोच के खुद को दुख पहुंचाओगे? अब भूल जाओ वो सब बातें, माफ कर दो, बढ़ जाओ जिंदगी में आगे। और 5, आप रोज 15 मिनट का ध्यान अपनी जिंदगी में ऐड करें। ध्यान करने से आपको अपनी आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी, आपका मन ज्यादा शांत और स्थिर रहेगा, आप लोगों को, जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो ये यादें होती हैं ना, ये जो मेमोरीज होती हैं, याद रखना ये ज्यादा टाइम नहीं रहती। हर मेमोरी का एक टाइम पीरियड होता है, एक समय के बाद आप अपनी हर याद भूल जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन यादों का बोझ लेकर आप जिंदगी में कितना आगे तक बढ़ते हो। यदि आप पहाड़ की यात्रा कर रहे हो, सिर्फ 1 किलो का वजन भी आप हाथ में लेके चलेंगे तो धीरे धीरे वो 1 किलो का वजन भी आपको बहुत भारी लगने लगेगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है, यदि उन्हीं यादों का बोझ लेके आप जिंदगी में चलोगे
तो जिंदगी जीना बहुत भारी हो जाएगा। अब भूल जाओ उन सब बातों को, एक समय के साथ इन सारी यादों को भुला दीजिए और धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि याद रखना, आपके रोने से, दुखी होने से या याद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्यों अपना समय, अपनी जिंदगी व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं? इसीलिए अपनी जिंदगी, अपने समय की और खुद की परवाह कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। चाहे कितनी भी दर्द भरी यादें क्यों ना हो, जब तक आप उन्हें भूलेंगे नहीं तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो उन सब यादों को भूलकर अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी जिंदगी को जियो।